नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑटोमैक चैनल। और जैसे आपको पता है कि जब हम गाड़ी में स्विच लगाते हैं तो बहुत सारे वार्निंग साइन बनकर आते हैं, बट जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं वार्निंग साइन सारे चले जाते हैं। बट अगर ये वाला वार्निंग साइन अगर वहाँ पे स्टेबल रहता है गाड़ी स्टार्ट करने के बाद भी, तो ये है बैटरी का साइन कि बैटरी में कुछ प्रॉब्लम है, बैटरी आपकी कुछ ना कुछ दिक्कत कर रही है। तो अगर ये वार्निंग साइन वहाँ पे स्टेबल होता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। तो सबसे सबको पता है कि बैटरी जो है वो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल सिस्टम का जो है वो हर्ट माना जाता है, उसके बिना गाड़ी चलाना पॉसिबल नहीं है। गाड़ी का हेडलाइट, गाड़ी का जितनी भी लाइटनिंग सिस्टम है, गाड़ी का स्टार्टिंग सिस्टम सब बैटरी से चलता है, बैटरी से पावर लेता है, तो ये बैटरी का हार्ट माना जाता है। तो इसको मेंटेन रखना, इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं कि अगर ये वाला साइन अगर वहाँ पर स्टेबल रहता है डैशबोर्ड के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ मॉडल पे समझते हैं कि हमारा फोर सिलेंडर इंजन है पेट्रोल का, और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे अल्टरनेटर लगा है जो कि जलता है बेल्ट की मदद से, और ये बेल्ट घूमती है इंजन की ड्राइव से, इंजन से ड्राइव लेता है और हमारा अल्टरनेटर घूमता है। अल्टरनेटर ही वो कंपोनेंट है जिसका काम है इंजन के मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना, और यही अल्टरनेटर फिर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भेजता है हमारा बैटरी में, और जो बैटरी में फिर वो पावर स्टोर करता है जिससे हमारा गाड़ी को इलेक्ट्रिकल सिस्टम, गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को सारा पावर मिलता है। बैटरी का साइन बन के इसलिए आता है क्योंकि इस अल्टरनेटर में प्रॉब्लम है। या तो आप ये बेल्ट देख रहे हैं, इसका स्लैकनेस कम हो गया जिसकी वजह से इसको रेवोल्यूशन कम मिल रही है। जब इसको रेवोल्यूशन कम मिल रही है इंजन से, तो ये वोल्टेज जो मैकेनिकल एनर्जी जो मिल रही है इसको, मैकेनिकल एनर्जी उसको कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कम जनरेट कर पा रहा है। तो ये 10 mm के करीब इसका स्लैकनेस होना चाहिए, बट अभी ये और भी ज़्यादा ढीली है क्योंकि इंजन काफ़ी टाइम से यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ये स्लैकनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्लैकनेस हम टाइट यहाँ से कर सकते हैं, ये जो आप बोल्ट देख रहे हैं और ये जो आप स्लॉट देख रहे हैं, इसको कम ज़्यादा करके हम बेल्ट का स्लैकनेस जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो टाइम टू टाइम हमें बेल्ट की स्लैकनेस जो है वो चेक करते रहना चाहिए। और अगर हमारे पास वही वाला साइन, बैटरी का साइन ब्लिंक हो रहा है डैशबोर्ड पर, तो एक प्रॉब्लम ये हो सकती है। दूसरा कि हमारा मैकेनिकल फॉल्ट हो सकता है कुछ हमारे अल्टरनेटर में, जो भी इसमें स्टेटर रोटर वगैरह जो भी रहता है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। इसके बुशेस जो होते हैं अंदर वो घिस गए हैं, ब्रशेस के घिस गए हैं, तो उसको भी फिर वो जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। तीसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि हमारा जो अल्टरनेटर होता है वो लगभग 100 volt तक जो है वो पावर जनरेट करता है। 100 volt से भी ज़्यादा पावर जनरेट कर सकता है जितनी हमें बैटरी में नहीं चाहिए। हमें बैटरी में चाहिए 13 volt से लेकर 14.7 तक जो है वो हमारे बैटरी में वोल्टेज जानी चाहिए, उतनी ही कैपेसिटी में बैटरी हमारी चार्ज होनी चाहिए। बट अगर ये मोर देन 100 से ज़्यादा ये जनरेट कर सकता है वोल्टेज, बट हमें बैटरी में उतना नहीं चाहिए, तो उसके लिए एक रेगुलेटर स्विच, रेगुलेटर जो है वो यूनिट लगाई जाती है, जो कि अभी मेरे पास है नहीं। तो यहाँ से ये आउटपुट टर्मिनल है, इससे यहाँ से जाता है रेगुलेटर में, और रेगुलेटर से फिर वो जाता है बैटरी में वोल्टेज। रेगुलेटर क्या करता है, जितना वोल्टेज उसके पास आ रहा है वो उतना आगे नहीं भेजता है, वो सिर्फ उतना ही आगे भेजता है जितना हमारे बैटरी को चाहिए होता है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉपर चार्ज होती है। अगर मान लो कि ये रेगुलेटर में प्रॉब्लम आ जाती है, जो इसके बाद अल्टरनेटर के पास जो रेगुलेटर लगा है अगर उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो बैटरी में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और वो नुकसान क्या हो सकता है, तो वो बताऊंगा मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में। तो देखते रहिए चैनल, और अगर आपने अभी तक न्यू सब्सक्राइब, अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। नीचे यहाँ पे रेड बटन दिया गया सब्सक्राइब का, क्लिक ऑन दैट। उसके बाद बेल आइकन बटन आता है, प्लीज़ प्रेस ऑन दैट ऑल्सो, तभी आपको वीडियो का अपडेशन, नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलेगा। वीडियो को लाइक भी करते हैं, साथ साथ में शेयर भी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।